तो तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 6 दिनों से NHM के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनकी मांगे मानी जाए। वो लगातार यहां पर बैठ कर रोजाना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज इन कर्मचारियों से मिलने के लिए कांग्रेसी नेता ब्रिजेंद्र उर्फ बिल्लू कादियान इनके बीच में पहुंचे। उन्होंने इनका समर्थन किया, साथ ही सरकार को घेरती हुई कहा कि सरकार अभी तक इनकी मांगे क्यों नहीं मान रही है। सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए क्योंकि इनका सीधा संपर्क जनता से होता है। एक बार सुनिए ब्रिजेंद्र उर्फ बिल्लू कादियान ने क्या कुछ कहा। 2014 में इस प्रदेश में और देश में BJP की सरकार बनी और 2014 से आज तक लगभग 9.5 साल का कार्यकाल ये सरकार पूरा कर चुकी है। कोई भी दिन ऐसा इस सरकार का नहीं गया कि जिस दिन किसी ना किसी वर्ग ने कोई एजिटेशन धरना ना दिया हो, और उसी का हिस्सा मैं समझता हूँ जो आज ये NHM के एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये भी इसी तरीके से परेशान हो और ये धरना रद्द हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि ये सरकार फेल है और मैं समझता हूँ कि ये सरकार में रहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जिनकी इतनी जेन्युइन डिमांड, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के आज ये हमारे NHM के एम्प्लॉई हैं, चाहे और डिपार्टमेंटों के, इन्हीं के डिपार्टमेंट के और लोगों ने भी स्ट्राइक अभी की है। डॉक्टर्स की भी स्ट्राइक रही है, नर्सिंग की भी स्ट्राइक रही है, आज ये NHM की भी है। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट जनता के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। अगर इनकी एक घंटा भी स्ट्राइक होता है तो मैं समझता हूँ हाहाकार मच जाती है, क्योंकि इनका जुड़ाव सीधा जीवन से है। तो मैं तुरंत प्रभाव से तो इस विफल सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनकी मांग को तुरंत प्रभाव से मान लिया जाए, और इसके साथ साथ ये भी डिमांड करता हूँ कि जब इन लोगों की सर्विस, टेन्योर ऑफ सर्विस किसी की 12 साल किसी की 15 साल ऐसे हो चुकी, तो क्यों ना इनको स्केल रेगुलर की तरह दे दिया जाए। क्यों ना 25-25 साल की इनकी सर्विस, जैसे भाई ने बताया, हो चुकी। तो ये बात, जैसे इन्होंने ये भी बताया कि हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं और संभावना भी सारे प्रदेश की 36 बरादरी को है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, एक साथी ने भी कहा कि उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जिस दिन इस प्रदेश में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, निश्चित तौर पर इनकी जॉब रेगुलर कर दी जाएगी। और हम एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत में और एक पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री होने की हैसियत में मैं भी तय दिल से इस बात के लिए इनका समर्थन करता हूं कि इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है, और या तो ये सरकार पूरी कर दे या आने वाले सरकार में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, हम उनसे निवेदन करके इनकी मांग को पूरी कराएंगे। इन्होंने मांग की कि मैनिफेस्टो में इनकी मांग डाली जाएगी, मैनिफेस्टो में भी डाल दी जाएगी, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप इसको पूरा कराओ, हमें रेगुलर एम्प्लॉई की ट्रीटमेंट या हमें मर्ज करके रेगुलर एम्प्लॉई बनाया जाए, तो डालो ना डालो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमिटमेंट है तो घोषणा पत्र में डालने में भी कोई दिक्कत नहीं और करने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता के अगर उनकी इनसे बात की, इनके साथ बातचीत हो चुकी, तो फिर उसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, NHM कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 दिन हो चुके हैं और ये लोग यहीं पर रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को माना जाए। नमस्ते भाई, हम NHM के कर्मचारी हैं, 26 साल तक इस डिपार्टमेंट में हम जॉब करने लग रहे हैं, कच्चे कर्मचारी के नाम पर हमारे ऊपर यो दबा है। सामने के महीने में तो घर की रूसी बेटी ने भी मना लिया करें, या सरकार इतनी जनता इतनी बेटी बैठी हुई है उनकी बात न सुन नहीं रही है। क्या कारण है सरकार आपकी बात नहीं मान रही, क्योंकि इलेक्शन में नजदीक है। सरकार भाई बात मानेगी, सरकार ने ते मांगा है, सरकार ने हमारी बात मानेगी, हमारी स्ट्रेंथ ने देखते हुए ना मानेगी तो भाई हम मांगा मनवाएंगे। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी एक के मांग है कि हमें पक्का करें, हम NHM के कच्चे कर्मचारी लगा रखे हैं, 26 साल हमने इस डिपार्टमेंट में काम कर देना होंगे, हमने एक बस पक्का करें, हमारी एक के मांग है। आप बैठे हैं, काफी लोगों को परेशानी हो रही है, उस बात का हमने भी दुख है, हम अपना काम छोड़ कर बैठे हैं, हम भी इस बात न चाहे कि सरकार हमारी जल्दी सुने, ना तो जनता ने परेशानी आवे ना हम कर्मचारियों ने परेशानी आवे। हमारी मांग पहले दिन भी वही थी कि हमें रेगुलराइज किया जाए, 20-20 साल हमें काम करते हुए हो गए हैं और आज छठा दिन है, आज भी हमारी मांग वही है। तो हमारी मांग में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार अपनी
अड़ी हुई है अपनी हट के ऊपर, तो वो हमारी मांगे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसका आपके यहाँ कई राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ सभी नेता आ रहे हैं, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। जो भी हमारा साथ देगा, जो भी हमारी बात उठाएगा, हम उसके साथ हैं। एएमसी सपोर्ट वर्कर के पद पे हूँ मैं, यहाँ पिछले 10 साल से लगी हुई हूँ। पीछे 5 साल ये सौदा वर्कर के पे, 2011 में हम ये सौदा वर्कर के पद पे लगे थे। हमें 5 साल ड्यूटी करवा के हटा दिया गया, 2016 में हट गए थे हम। फिर 2018 में 2 साल का गैप देके 2018 में लगाए गए हम। ना तो हमारे पिछले कार्यकाल जोड़े गए 5 साल में, ना हमारे कुछ सर्विस भाई उसका लाभ मिला हमें। हम सरकार से यही अनुरोध है कि हमें नियमित किया जाए। आज करो, अभी करो, हमको पक्का करो। अगर आपकी सरकार मांग नहीं मानती तो हम क्या करेंगे? हड़ताल पे बैठे रहेंगे हम। इतना हम हाँ वोट नहीं देने के, हम किसी के भी ना, मैं मेरे साथ मेरे परिवार में 10-12 बंदे हैं, वे भी वोट नहीं देंगे। जब मैं नहीं वोट देंगे तो मैं भी नहीं देंगे। तो ऐसे में कर्मचारी नारेबाजी भी करते नजर आए और आज इनका समर्थन करने के लिए विजेंदर उर्फ बिल्लू काद्यान कांग्रेसी नेता हैं, वो इनके बीच पहुंचे। उन्होंने इनका समर्थन किया, साथ ही सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को इनकी मांगे जल्द माननी चाहिए। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।